म्यूजिक तो दोस्तों ये वीडियो एडिट करना एकदम आसान है। आप भी अगर अपना फोटो लगाकर इसी तरह के वीडियो एडिट करना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको। ये वीडियो एडिट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का नाम है Lightmotion। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और अगर इसका प्रो वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में बिटमार्क और सेनेक इफेक्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके Lightmotion एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना। अगर बिटमार्क डाउनलोड करने में या इंपोर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे पहले देख लेना, उसके बाद डाउनलोड कर लेना। सो दोस्तों चलते हैं Lightmotion एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों आ चुका हूँ एप्लीकेशन के अंदर। प्रोजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको कुछ इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एकदम फास्ट में आ जाओ आप, उसके बाद प्लस आइकन में क्लिक करो और मीडिया पे क्लिक करो और इस ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दो और यहाँ पे जिस भी फोल्डर में आपका फ़ोटो है यहाँ से फ़ोटो को ऐड कर लेना है। मैंने फ़ोटो को ऐड कर लिया। इसे फुल स्क्रीन करने के लिए ऊपर की तरफ 3 डॉट ऑप्शन में कर देना है क्लिक, उसके बाद 5 नंबर ऑप्शन पर कर देना है क्लिक तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बिट पे जाने के लिए इस 3 ऑप्शन पर कर देना क्लिक और बाकी के पार्ट को काट करने के लिए इस काट ऑप्शन पर कर देना क्लिक तो बाकी के पार्ट काट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको एक फ़ोटो ऐड करना है, पहला आइकन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके ऐड कर लिया। इसे भी फुल स्क्रीन करने के लिए सेम प्रोसेस है, 3 डॉट में क्लिक, 5 नंबर की ऑप्शन पर क्लिक और नेक्स्ट बिट पे जाने के लिए इस 3 ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और बाकी के पार्ट को काट करने के लिए इस काट ऑप्शन पर कर देना क्लिक तो ये काट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको सभी वीडियो पर फोटो को ऐड कर लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो दोस्तों मैंने एक एक करके सभी फ़ोटो को ऐड कर दिया है। अब इस फोटो में लगाना है इफेक्ट। इफेक्ट लगाने के लिए आपको सेक इफेक्ट पर जाना है और सेक इफेक्ट पर जाके एक नंबर इफेक्ट को कर लेना है कॉपी। इफेक्ट को कॉपी करने के लिए फर्स्ट में जो इमेज है उस इमेज पर क्लिक करना और इफेक्ट पर जाना और 3 डॉट पर जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर से बैक चले जाना है आपको बिटमार्क पर। बिटमार्क पे आके एकदम नीचे चले जाना है आपको और यहाँ पे नंबर लिखा होगा, आप देख सकते हो 2 नंबर लिखा हुआ है। तो मैंने एक नंबर इफेक्ट को कॉपी किया है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर, तो इस वाले इमेज पर कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के लिए फ़ोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में क्लिक करना है, 3 डॉट में क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से बैक जाना है आपको सेक इफेक्ट में, वहाँ पर जाके 2 नंबर इफेक्ट को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के लिए 2 नंबर पर जो इमेज है उस इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको बैक जाना है बिटमार्क पर। बिटमार्क पे आके देखो एकदम फास्ट से एकदम यहाँ तक, मतलब जहाँ तक है वहाँ तक जो जो आप फोटो ऐड किए हो उस फोटो में कर देना है इस इफेक्ट को पेस्ट। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। उसके बाद इस फोटो में भी पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया और इस फोटो में भी पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। ऐसे ऐसे करके सेक इफेक्ट में जाके नंबर के हिसाब से आपको इफेक्ट को कॉपी कर लेना है और बिटमार्क पे आके पेस्ट कर देना है, तभी आपका वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। उसके बाद वीडियो को सेव करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही डीजे रिलेटेड स्टेटस वीडियो की ट्यूटोरियल।